अब हम लोग एनिमल किंगडम के सेकेंड फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में स्टडी करेंगे। सीलेंट्रेटा को निडारिया भी कहते हैं और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा पोलिप यानी कि सिलेंड्रिकल बॉडी का होता है। हाइड्रा जूनियर लेवल में भी आपने पढ़ा होगा। हाइड्रा पेन की तरह होता है, समझ सकते हैं, और इसमें टेंटेकल ऊपर से रहेंगे, माउथ भी रहेगा ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रेडियल सिमेट्री है। इसको बहुत सारे डायमीटर से, सेंटर से होकर पास करने वाले लाइन से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसलिए इसको सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ कि ये रेडियल सिमेट्री होता है। दूसरा डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि इसके इम्ब्रियो में दो लेयर बनते हैं, तीन लेयर नहीं बनते हैं। जिसमें तीन लेयर बनता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। इसमें मेसोडर्म नहीं होता है। जैसे इम्ब्रियोनिक लेयर तीन होता है ना, तो ये तीन लेयर हुआ। इसमें अंदर वाला इंडोडर्म, बाहर वाला एक्टोडर्म और बीच में जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म नहीं बना रहेगा, मेसोग्लिया होगा। ओके, तो ये हमारा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तीन लेयर इसमें परफेक्ट नहीं रहेगा। तीसरा कि ये टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इसमें ऑर्गेन वगैरह तो नहीं बनेंगे, लेकिन पहला एनिमल है, इससे पहले जो पोरी फेरा था उसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था सेल का। यहां पे टिश्यू फाइंड होंगे, टिश्यू, जैसे ये टेंटेकल है ना, ये एक स्पेशल टिश्यू का बना हुआ होगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ टेंटेकल। अभी हमने बताया ये जो ऐसे ऐसे लाइनिंग है ये इसमें भी रहेगा, वो इसका हाथ पैर, मतलब स्विमिंग के लिए भी टेंटेकल हेल्प करता है। फूड को पकड़ के मुंह में डालने के लिए यहां पे माउथ है, उसके लिए भी क्या होता है, टेंटेकल हेल्प करता है। मतलब हाइड्रा का, या ऐसा कहिए कि निडारिया या सीलेंट्रेटा का मैक्सिमम वर्क जो होता है वो किसके थ्रू होता है, इसी टेंटेकल के थ्रू होता है। अब टेंटेकल में एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है जो स्टिंगिंग सेल होता है, और वो स्टिंगिंग सेल कहां रहता है, नीडोब्लास्ट में। नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट होता है, ये कहां प्रेजेंट है, टेंटेकल में, और ये उसको एक्टिव करता है। जैसे होता है ना कि हम अपने हाथ को मोड़ सकते हैं या सेंसिटिविटी, तो इसी नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट में सेंसिटिविटी होती है। और ये नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट कहां मिलता है, टेंटेकल पर मिलता है। ओके, नेक्स्ट बात है गास्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसके अंदर पेट होता है, ऐसे कैविटी है। इस कैविटी में सिंगल ओपनिंग होता है, एक ये भी है। जैसे हम लोग में क्या है, माउथ से खाते हैं, एनस से निकालते हैं, यहां पे क्या है, ये माउथ है, ये क्या है, माउथ। तो ये माउथ से ही खाएगा और डाइजेशन करने के बाद माउथ से वोमिटिंग करेगा, वोमिटिंग, एक ही ओपनिंग है। ओके, तो गास्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसके सेंटर में है, और वो भी कैसा, तो सिंगल ओपनिंग वाला, सिंगल ओपनिंग वाला है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव है, इसमें ऑर्गन है ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात इसमें हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो अभी टिश्यू लेवल में ही चल रहा है, बस एक कैविटी है इसमें। अब डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इसमें दो तरह से होता है, दोनों तरह से होता है ऐसा कह सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर भी, मतलब इसमें बाहर इस कैविटी में भी डाइजेस्टिव एंजाइम आकर के डाइजेशन होगा, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम यहां पे आया और यहां अगर डाइजेशन हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर मतलब कुछ अनडाइजेस्टेड पार्टिकल अगर सेल एब्जॉर्ब कर लिया तो उसको सेल के अंदर में डाइजेशन कर देगा। तो दोनों तरह का डाइजेशन मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर मतलब इनसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड द सेल। ओके, अब नेक्स्ट है कि बॉडीज का दो फॉर्म में होता है। बॉडीज का दो फॉर्म में, टू बेसिक फॉर्म होता है। कौन कौन फॉर्म है, तो पहला है पोलिप और दूसरा है मेडुसा। हमने दोनों यहां पे बनाया है। ये देखिए सिलेंड्रिकल बॉडी जो होता है वो पोलिप कहलाता है, और ये अम्ब्रेला टाइप जो है, अम्ब्रेला टाइप का जो बॉडी होता है वो मेडुसा कहलाता है। सिलेंड्रिकल पोलिप हो गया, अम्ब्रेला टाइप जो होगा वो मेडुसा होगा। ओके, तो दो बॉडी फॉर्म में मिलता है आपको सिलेंट्रेटा। हम लोग जो हाइड्रा को जानते हैं वो पॉली फॉर्म में होता है। नेक्स्ट ओब्लिया है। देखिए ओब्लिया एक स्पेशल टाइप का निडारिया है। इसमें दोनों फॉर्म मिलेगा
और ये अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन करेगा। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन का मतलब देखिए, ये 2n फॉर्म है, ये क्या है 2n फॉर्म है, डिप्लॉयड है, और ये n फॉर्म रहेगा, ये हैप्लॉयड है, इसको हटा दीजिए, ये कैसा है n फॉर्म है, हैप्लॉयड है। तो होगा क्या कि एसेक्सुअल, एसेक्सुअल ये ए एसेक्सुअली पॉलीफॉर्म मेडुसा में बदल जाएगा, और फिर मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, यहां पे सेक्सुअली पॉलिप में बदल जाएगा, यानी कि दो बॉडी फॉर्म मिलेगा एक ही। ओब्लिया जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओब्लिया के बारे में हमेशा पूछता है कि कौन सा निडारिया या सिलेंट्रेटा है जो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन का मतलब क्या हुआ, हेप्लोइड और डिप्लोइड दोनों में मल्टी सेलुलर मिलता है। तो आपको यहां पे हमने बताया कि पॉलीफॉर्म भी मिलेगा और मेडुसा फॉर्म भी मिलेगा, पॉलीफॉर्म भी और मेडुसा फॉर्म भी। पॉलीफॉर्म जो है वो डिप्लोइड है, 2n यानी कि डिप्लोइड, डिप्लोइड जो होता है एसेक्सुअली क्या करेगा, मेडुसा को फॉर्म करेगा, मेडुसा यानी कि हैप्लोइड को। हैप्लोइड बॉडी जो होगा वो सेक्सुअली यानी कि गेमेट फॉर्म करके, फर्टिलाइजेशन करके पॉलिप बनाएगा। ये हो गया। एक और इसमें कोरल है, कोरल्स जो होते हैं उसमें क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटल पाया जाए, स्केलेटल मतलब हार्ड लेयर रहेगा। तो कोरल एक इसका एग्जांपल हो गया जिसमें स्केलेटल मिलेगा, किसका, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, तो सिलेंट्रेटा यानी कि सेकेंड फाइलम में इतना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।